Welcome to Simply Lakshmi's Life. हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि मेरे सारे फ्रेंड बहुत अच्छे हैं और हम भी अच्छे हैं। दोस्तों, आज है फ्राइडे, तो सुबह सुबह पूजा करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। और आज ना अतनु गया था मार्केट और बहुत अच्छी सब्जी मिली है आज। ये कुछ ये नींबू है, परवल है और यहाँ पे, और हाँ, सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ना, ये एक्चुअली हम लोग पुई बोलते हैं, ये बहुत अच्छा मिला है। कोई नया शॉप मिला अतनु को, तो वहाँ से अतनु ने लाया ये पुई है, ये भी बहुत अच्छा मिला है। और साथ में ना ये जो ऑनियन, स्प्रिंग ऑनियन होता है ना, वो हम लोग इसको प्याज साग बोलते हैं, तो ये भी बहुत अच्छा मिला, लेकिन इसमें ना मिट्टी बहुत ज़्यादा है। और ये हमारा आज का मेन्यू, ये है तुरई आलू की सब्जी, ये है कद्दू की सब्जी पुई साग के साथ, और ये है दाल। और आज थर्सडे है तो वेज है, और साथ में है अतनु के लिए रोटी। और कुछ दिनों से कृति ने चम्मच छोड़ के हाथ से खाना स्टार्ट कर दिया है, और बहुत सारे फ्रेंड का एक ही क्वेश्चन होता है कि कृति लेफ़्ट हैंड से क्यों खाती है, क्योंकि वो सब काम लेफ़्ट हैंड से ही करती है, इसके लिए लेफ़्ट हैंड से खाना भी खाती है। ए, तो जस्ट अभी हम लोगों का लंच हुआ है, और कृति का लगभग जो एग्ज़ाम था वो ख़त्म हो गया है। एक ही एग्ज़ाम है कंप्यूटर का, और वो मतलब रिटर्न नहीं होगा कंप्यूटर में, मतलब ऑनलाइन ही हो जाएगा, तो इसके लिए कृति आज बहुत खुश है ना? हाँ। और कैसा रहा आपका एग्ज़ाम, बताओ? अच्छा रहा? हाँ। वो अभी बिजी है, थोड़ा सा फ्री टाइम मिला है आज उसको बहुत दिनों के बाद। होता है ना कि बच्चों का एक रहता है कि एग्जाम खत्म होने के बाद वो बोल रही है, मम्मा आज मैं थोड़ी सी फ्री हूँ, कल मैं पूरा फ्री हो जाऊंगी। 3:40 ओके। और यहाँ पे मेरा सारा सामान जो है ना पूरा बिखरा पड़ा हुआ है, तो मैं एक एक करके स्टार्ट करूंगी। तो मैं सोच रही हूँ जो कॉर्नर है ना वहाँ पे मैं जो बड़ा वाला लैम्प है उसको फिक्स करूंगी, तो इसके लिए इसको हटा के लैम्प को फिक्स करूंगी। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं, और एक एक करके ना काम को नहीं करूंगी ना, तो काम एक के बाद एक जमता रहेगा, और जब बहुत सारा काम आ जाता है ना दिमाग भी काम नहीं करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और अभी हम दोनों मिलके इसको फिक्स करेंगे। कृति मुझे यहाँ पे हेल्प कर रही है, उसका एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है, ऑलमोस्ट एक ही बाकी है, तो इसके लिए बीच बीच में वो मुझे बोल रही है, मम्मा मैं बोर हो रही हूँ, तो इसके लिए मैं बोल रही हूँ चलो हम दोनों मिलके इस काम को करते हैं, तो उसको अच्छा भी लगेगा और वो बोर भी नहीं होगी, बिज़ी भी रह जाएगी। और बच्चे ना बहुत ज़्यादा मतलब खुश हो जाता है ये छोटी छोटी कामों को करके, और वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही है, तो मुझे भी अच्छा लग रहा है, और हम दोनों मिलके इस काम को कर रहे हैं तो अच्छा भी लग रहा है, अच्छा टाइम भी स्पेंड हो रहा है हम लोगों का। और फाइनली मैंने लैम्प को ना कॉर्नर पे फिक्स कर दिया है। जब आप घर पे कोई भी चेंजेस करते हो ना, तो कभी कभी वो चीज़ सडनली बहुत अच्छा लग जाता है, और कभी कभी उसको सोचना पड़ता है कि फाइनली वो चीज़ जो है वो अच्छा लग रहा है या नहीं। आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताना कि ये कॉर्नर पे लैम्प जो है वो कैसा लग रहा है। फाइन
फाइनली जो लैम्प सेट है ना वो कॉर्नर पे ही हमने रखा है और मुझे लग रहा है कि काफी अच्छा लग रहा है, मतलब बहुत टाइम से मैंने इसको ऑब्जर्व किया उसके बाद लग रहा है कि नहीं अच्छा लग रहा है। और हाँ, आज मैं करने वाली हूँ सोफा सेट का डीप क्लीनिंग। ये जो मेरा सोफा है ना, इसके बारे में काफी सारे क्वेश्चन आए हैं, बहुत सारे फ्रेंड ने पूछा है कि ये हमने कहाँ से लिए हैं। तो ये हमने अर्बन लैडर से लिया था और इसका लास्ट ईयर दिवाली के टाइम हमने इसको परचेस किया था। और इसका मटेरियल ना मतलब ये फैब्रिक का नहीं है, ये लेदर का है, प्योर लेदर का है। और ये सेम डिजाइन पे आपको फैब्रिक का भी मिल जाएगा और इसमें बहुत सारे कलर ऑप्शन भी है। तो मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, आप वहां से चेक कर लीजिएगा। मैं आज इसका डीप क्लीनिंग करूंगी और इसके डीप क्लीनिंग के लिए ना मैंने एक तो ये मैंने परचेस किया है, ये हमने ऑर्डर किया है, इसको यूज करूंगी मैं, फर्स्ट टाइम यूज कर रही हूँ। और सबसे पहले मैं क्या करूँगी, जो ऊपर का डस्ट होता है ना उसको क्लीन करने के लिए एक ड्राई कपड़ा लूँगी। ये मैंने माइक्रोफाइबर का एक ग्लव्स ऑर्डर किया था ऑनलाइन, तो ये ना क्लीन करने में बहुत आसानी होती है, तो इससे मैं पूरा जो डस्ट है उसको क्लीन कर लूँगी। ये पोर्शन ना बहुत ज़्यादा गंदा होता है तो इसी से मैं स्टार्ट करूँगी क्लीनिंग करना। और अभी मैं लेदर को क्लीन करने के लिए जो अप्लाई कर रही हूँ ये मैंने ऑनलाइन परचेस किया है। एक्चुअली जो कार का सेट वगैरह होता है ना क्लीन करने के लिए, लेदर जो सेट होता है उसको क्लीन करने के लिए जो यूज़ किया जाता है उसको मैं यूज़ कर रही हूँ और मुझे लग रहा है कि अच्छे से ये क्लीन हो भी रहा है। और फर्स्ट टाइम मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, इसके बारे में कोई भी मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, बट हाँ फाइनली मेरा सोफ़ा जो है अच्छे से क्लीन हो रहा है। यहाँ पे ना हाथ के पोर्शन पे जो गंदा हुआ था वो एकदम से क्लीन हो गया है। और सच में ना ये बहुत काम की चीज है। और ये जब हम लोगों ने सोफा खरीदा था लास्ट ईयर, तो उस टाइम जो मतलब डिलीवरी देने के लिए आए थे तो उन्होंने हम लोगों को बोला था कि इसको क्लीन करने के लिए आप ये यूज कर सकते हो। एक्चुअली हम लोगों ने पूछा था कि इसका मेंटेन कैसे करे, किस तरह से इसको क्लीन करे, तो उन्होंने बताया था एंड फाइनली ये मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ईजी भी है। अदरवाइज आप कुछ होम रेमेडी भी ट्राई कर सकते हो लेदर को क्लीन करने के लिए। ओके, तो फाइनली मेरा सोफा जो है वो क्लीन हो गया है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। होता है ना कि कोई भी चीज़ अगर क्लीन होता है ना एकदम से नया हो जाता है, तो वही। तो चलिए आज का ब्लॉग मैं एंड करती हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं बहुत जल्द एक नए ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बी सेफ।